फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन में आज हम लोग एक और मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है पॉइंट्स ऑन अ रेक्टेंगल। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की हैकर रैंक पे प्रॉब्लम है एंड ज्योमेट्री से ये रिलेट होती है। तो आइए इसको हम रीड आउट करते हैं। यू आर गिवन क्यू क्वेरीज। ईच क्वेरी कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एन पॉइंट्स ऑन अ टू डायमेंशनल प्लेन दैट इज एक्स वाई। फॉर ईच सेट ऑफ पॉइंट print yes on a new line if all the points fall on the edges of a non-degenerate rectangle which is axis parallel, otherwise print no instead। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है और एक हमारे पास ऐसा रेक्टेंगल है जो कि एक्सिस पैरेलल है। इसका मतलब है कि उसके जो जो साइड्स होंगे वो किसी एक्सिस के पैरेलल में होंगे। सो हमें अगर जो पॉइंट्स गिवन है अगर वो सेम साइड्स में, सॉरी अभी जो रेक्टेंगल है उसके साइड्स पे लाई करें या फिर उसके कॉर्नर पे अगर लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि वो यस आंसर हमें रिटर्न करना है। अगर वो रेक्टेंगल के अंदर या रेक्टेंगल के बाहर लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि नो। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास दो टेस्ट केसेस हैं। जो पहला टेस्ट केस है उसमें हमें तीन पॉइंट्स गिवन है। तीन पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो है 0, 0, 0, 1 एंड 1, 0। अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये 0, 0 पॉइंट को रेफर करता है, 0, 0 हमारा एक कॉर्नर अगर हम मान लें, 0, 1 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस पे 1, तो ये 0, 1 पॉइंट हो गया। एंड देन उसके बाद 1, 0, 1, 0 का मतलब है कि ये पॉइंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक एक रेक्टेंगल बनाएं तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, इसको अगर हमें इस केस में अगर हमें यस रिटर्न करना है तो उससे पहले हम दूसरा टेस्ट केस भी ले लेते हैं। शायद हो सकता है कि दूसरे टेस्ट केस से हम इसको समझ पाए कि क्या किस कंडीशन में हमें यस रिटर्न करना चाहिए और किस कंडीशन में नो रिटर्न करना चाहिए। तो दूसरा वाला जो टेस्ट केस है उसमें चार पॉइंट्स हैं और पहला पॉइंट 0, 0 है, जो दूसरा पॉइंट है वो 0, 2 है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 2, 0 है, एंड देन इसके बाद एक पॉइंट है वो 1, 1 है। 1, 1 जो पॉइंट होगा दैट विल बी समवेयर हियर। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम इन चारों पॉइंट से कोई रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इसमें लाई नहीं करेगा एंड दैट इज 1, 1। इस केस में हमें आंसर जो है वो नो रिटर्न करना है क्योंकि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा अगर इसके हिसाब से हम देखें सो वो 2, 2 होना चाहिए। सिमिलरली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 1, 1, जो हमें पॉइंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि रेक्टेंगल के बाहर हो रहा था, और जो दूसरा वाला है उसमें एक पॉइंट ऐसा था जो रेक्टेंगल के बाहर या रेक्टेंगल के अंदर है। सो इस केस में हम एक काम करते हैं कि जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम चार वैल्यूज इसमें कंप्यूट कर लेते हैं, एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम एंड वाई मैक्सिमम। तो जो एक्स मिनिमम है इस केस में दैट विल बी 0 एंड जो एक्स मैक्सिमम है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। वाई मिनिमम जो है वो पॉइंट है 0 एंड जो वाई मैक्सिमम है दैट इज इक्वल्स टू 1। जो तीनों पॉइंट्स हैं उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इन तीनों पॉइंट्स के लिए हम चेक करने जा रहे हैं, इन तीनों पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स मिनिमम या एक्स मैक्सिमम के इक्वल है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को चेक करें तो इन तीनों पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें एक्स या वाई कोऑर्डिनेट एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के बीच में कहीं आता है। अगर कोई पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन को वायलेट कर रहा है और वो हमारा रेक्टेंगल जो है उस रेक्टेंगल के सरफेस पे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई पॉइंट 0.5 होता, एक्स की वैल्यू 0.5 होती और वाई की जो वैल्यू है वो भी 0.5 होती, तो एक्स की वैल्यू 0.5 और वाई की वैल्यू दोनों 0.5 कहीं यहाँ पे होता, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली
अगर कहीं एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम और वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम के बीच में है तो हम कहेंगे कि ये हमारा ऑड वन आउट पॉइंट है और हमें आंसर नो रिटर्न करना चाहिए। ये जो पॉइंट है वो हमारे ना ही सरफेस पे आएगा रेक्टेंगल के, ना ही साइड पे आएगा, ना ही इसके कॉर्नर पे आएगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि हमने जब पॉइंट पॉइंट किया और ये जो पॉइंट है वो एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के बीच में कहीं आए एक्स कोऑर्डिनेट इसका, और ऐसा ही वाई कोऑर्डिनेट के साथ भी हो, तो दोनों कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली अगर एक्स और वाई के मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम के बीच में कहीं लाई करते हैं तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है वो सरफेस पे नहीं हो सकता और ना ही इसके कॉर्नर पे होगा। इस एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ से देखें जो सेकेंड वाला टेस्ट केस है हमारा, तो उस केस में हमारा एक्स मिनिमम आता है 0, वाई सॉरी एक्स मैक्सिमम हमारा आएगा इस केस में 2, वाई मिनिमम हमारा आएगा 0 एंड वाई मैक्सिमम जो आएगा दैट विल बी 2। अब हम इस पॉइंट 1 1 की बात करते हैं। जो 1 1 पॉइंट है इसका जो एक्स पॉइंट है मतलब 1 जो है वो 0 और 2 के बीच में है, और इसका जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो भी 0 और 2 के बीच में है, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली एक्स मैक्सिमम एक्स मिनिमम और वाई मैक्सिमम वाई मिनिमम के बीच में है दोनों पॉइंट्स इसके, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट हमारा है वो ऑड वन आउट है। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता वो 1 2 होता तो क्या हम इसके लिए भी यही बात कहते हैं? तो 1 2 का ये मीनिंग होता कि ये हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2, मतलब कि ये वाला हमारा पॉइंट ही होता। तो ये जो पॉइंट है 1 2 पॉइंट कहीं यहाँ पे है और ये एक सरफेस पे है या एक एज पे है ऑफ द रेक्टेंगल। ये हम कैसे प्रूव करते हैं कि ये हमारे एज पे है? इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो एक्स मैक्सिमम एक्स मिनिमम के बीच में है, लेकिन वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो रिलेट कर रहा है वाई मैक्सिमम से। तो अगर ये वाई मिनिमम या वाई मैक्सिमम के इक्वल है तो हमारा ये सरफेस पे ही होगा। तो एक अगर वायलेट कर रहा है तो नहीं चलेगा, माने एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें से एक अगर वायलेट करेगा तो नहीं काम, दोनों वायलेट करें साइमल्टेनियसली तो भी हम कहेंगे कि ये ना ही सरफेस पे होगा और ना ही बाउंड्री पे होगा, ना ही इसके एज पे होगा। सो हम इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से कोड करते समय हम सबसे पहले एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, फिर हर एक पॉइंट को हम चेक करेंगे कि क्या वो मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन को वायलेट कर रहा है क्या। देखिए ये हमारा कोड है, इस कोड में हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लिया है एक्स मिनिमम वाई मिनिमम एक्स मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम का। तो अगर हमारा एक कोऑर्डिनेट नाम का एक 2D एरे गिवन है तो इस कोऑर्डिनेट्स नाम के 2D एरे में कुछ पॉइंट्स होंगे और ये जो पॉइंट्स हैं इसमें 0 इंडेक्स पे जो पॉइंट्स होंगे उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स पार्ट और एक वाई पार्ट। फाइन, तो ये जो एक्स वाला पार्ट होगा एरे का 0 0 इंडेक्स का एलिमेंट होगा और वाई वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी 0 1। तो जो एक्स वाला पार्ट है उससे हमने एक्स मिनिमम और वाई मिनिमम दोनों को इनिशियलाइज एक्स मैक्सिमम दोनों को इनिशियलाइज कर लिया, और जो वाई वाला पार्ट है उससे मैंने वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम वाले पार्ट को इनिशियलाइज कर लिया। फिर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे ये मैंने एस फाइंड कर लिया है, इससे एस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स डॉट साइज, इस एरे का जो भी साइज होगा या इस वेक्टर का जो भी साइज होगा दोज विल बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 0 को छोड़ के क्योंकि वो ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है हमारे मिनिमम और मैक्सिमम वाले में, 1 पॉइंट नंबर 1 ऑनवर्ड्स सभी पॉइंट्स के हिसाब से हमने ये कंपेरिजन कर लिया। सबसे पहले हमने जो I0 और I1 की वैल्यू है उसको एक्स और वाई नाम के वेरिएबल्स में ले लिया, फिर देखा कि अगर एक्स छोटा है एक्स मिनिमम से तो नई नई एक्स मिनिमम सेट कर दिया, अगर वाई छोटा है वाई मिनिमम से तो नया वाई सेट कर दिया वाई मिनिमम में। सिमिलरली मैक्सिमम भी यही फाइंड कर लिया, अगर एक्स बड़ा है एक्स मैक्स से तो एक्स मैक्स इक्वल्स टू एक्स, अगर वाई बड़ा है वाई मैक्स से तो वाई मैक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो अब हमने सबसे पहले एक्स मैक्स एक्स मिन वाई मैक्स और वाई मिन फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम हर एक पॉइंट को चेक करेंगे कि क्या हमारा वो पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्स मिन एक्स मैक्स और वाई मिन और वाई मैक्स के कंडीशन के हिसाब से या नहीं, अगर कोई वो वायलेट करेगा तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे और बता देंगे कि हमें आंसर नो रिटर्न करना है। तो एक फ्लैग ले लिया जो कि हमें बता रहा है कि या ये अजम्पशन है फ्लैग इक्वल्स टू 1 का कि सारे पॉइंट्स या तो एज पे लाई करते हैं या तो कॉर्नर्स पे लाई करते हैं। फिर इसके बाद हर एक पॉइंट को चेक करने के लिए हमने एक लूप लगाया और लूप में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को नोट कर लिया गया है,
अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मिनिमम से बड़ा है और साइमल्टेनियसली एक्स मैक्स से छोटा है, साथ ही साथ इसका जो वाई वाला पार्ट है वो वाई मिनिमम से बड़ा है और वाई मैक्स से छोटा है, तो फ्लैग को जीरो सेट कर देंगे क्योंकि ये कहीं बीच में लाई करेगा या रेक्टेंगल के बीच में कहीं लाई करेगा, और हम ब्रेक कर देंगे। मतलब कि हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे के पॉइंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फ्लैग इक्वल्स टू जीरो के साथ हम बाहर आए हैं लूप में तो हम रिटर्न नो कर देंगे, और अगर हमने सारे पॉइंट्स चेक किए और कहीं पे भी कंडीशन वायलेट नहीं हुई तो हम रिटर्न कर देंगे यस, उस केस में फ्लैग की वैल्यू वन ही रह जाएगी। तो आइए इसको हम सबमिट करके देखते हैं। सो आपका सैम्पल टेस्ट केस पास हो गया है, फर्दर सबमिट करते हैं। एंड यू कैन सी द ऑल अदर टेस्ट केसेस हैव आल्सो गॉट पास। सो ये प्रॉब्लम है पॉइंट्स ऑन अ रेक्टेंगल, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है ये मैथमेटिक्स सेक्शन की। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड वी विल मीट अगेन विद सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।